आ रहे हैं द ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा धर्मेंद्र जी और लेजेंडरी एक्ट्रेस आशा पारेख। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे आए। मैम, वी आर ऑनर्ड आप लोग यहाँ पे, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? वी आर ऑनर्ड, ऑनर्ड एंड ऑनर्ड। डांस के शो में मुझे हर वक्त बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं अपने आप को इन डांसरों में देखती हूँ। क्या बात। अरे मैं आज इतना खुश हूँ, एक छोटा प्यारा सा प्रेजेंट देना चाहता हूँ आपको। मुझे? और क्या बात। हाजिर हो, ये कुछ पुरानी यादें और कुछ नई यादें। अच्छा, आपको दिखाता हूँ। अरे लाओ यार। हाँ, लेके आओ भाई। अरे वाह वाह वाह, ये सर आई थिंक कुछ लेके आए। जी सर, ये लीजिए। अरे वाह, क्या बात है। Wow. एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी। लवली। एक मेले लग गए मच गई धूम। आज हमारा पास माजी बहुत खुश है। वो याद करता होगा कि हम फिर इकट्ठे हुए और आप लोगों के साथ। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। ले जेंटलमैन, आइए सर, आइए मैम, प्लीज। नहीं जाना कि जीना लगे, मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। कैसा लग रहा है? धर्म सर आए, आशा जी आई हैं, क्या कहना है? बिग फैन ऑफ यू सर, हैव सीन यू शोले मूवी। आपका हाथ इतना बड़ा है, एक थप्पड़ मारने के ये हाथ भी प्यार करने के लिए। वाकई में उनके हाथ कितने बड़े। मतलब मुंह गायब हो जाता है, ऐसे मुंह पकड़ते हैं, मुंह गायब हो जाता है उसका। अच्छा, ये बात हम पहले आशा मैम से कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही, मैं बोल दूं? बोल दीजिए। बोले कि जब रोमांटिक सीन्स होते थे तो धर्म जी को बोलना पड़ता था कि आप जरा हाथ नीचे रखिए, हीरोइन का फेस कवर हो जाता था रोमांटिक। तनुजा तो ऐसे आंखें टेढ़ी कर लेती थी जब पास, तो मैं हाथ नीचे पे दो उंगलियां रख। जाके हाथ देखना चाहते हो कितना बड़ा, जाओ देख के आओ। जमरूद हैंड्स आर वेरी स्मॉल कंपैरेटिवली, लुक इट इज है। अरे मेरे हैंड के जैसे हो गए। जी तेरा बेटा। अरे सर जी, है गरम वार्म है ऐसे। हाँ ऐसे। अच्छा, ओह बच्चे का हाथ लग रहा है। ये मैं बताना चाहूंगा कि मेरी बालिश, ये हाथ जो है ना, दारा जी से बड़ा है। नापा था तो मेरा अंगूठा बाहर आ रहा था, दारा जी यहाँ से पड़े। क्या बात है। सर आपका जितना बड़ा हाथ है, इतना बड़ा तो ये डोसा खाता है सर। सर आई विल सिंग ए सॉन्ग फॉर यू। अरे क्या बात है। अरे क्या बात है। गाना गाना चाहता है सर आपके लिए, हो जाए? टू लाइनें, कम ऑन कम ऑन, गो फॉर इट जमरूद।
आपकी नजरों ने समझा प्यार की काबिल मुझे आपकी नजरों ने समझा जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला कह रही है हर नजर बंद परवर शुक्रिया आपकी नजरों ने समझा क्या बात है सो टैलेंटेड बहुत अच्छा लगा इसमें इतने गुण ऊपर वाले ने दिए हैं बहुत अच्छा बेटे गॉड ब्लेस यू थैंक यू सर एंड हम दुआ करते हैं कि इससे और भी फलें फूलें आप थैंक यू सर जी और मनीष भैया जी एक सेकंड मुझे हाँ, कुछ बोलना अरे बिल्कुल बोलो ना यार यस गुरु जी क्या कहना चाहती हैं आप धर्म सर नमस्ते मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है और मेरी मम्मी नहीं सबकी मम्मियाँ बहुत बड़ी फैन है आपकी तो हम लड़कियाँ आपके लिए कुछ परफॉर्म करना चाहती है क्या बात है यार धर्म जी All right, तो चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए धर्म जी के लिए सर आइए प्लीज आइए मैं भी कुछ शो ऑफ करूं थोड़ा सा Lovely. Your performance
से बहुत सी यादें ताज़ा हो गई और मेरा जी चाहता है काश यादों में जान होती, आवाज देकर बुला लेता। यार पास बिठा लेता, उनकी सुनता अपनी सुनाता, गले से लगा लेता। क्या बात है यार। और एक बार जोरदार तालियां पे पड़े। थैंक यू वेरी मच सर। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। कर कर जाऊंगा बदनाम तेरा, तौबा तौबा फिर क्या होगा, के याद मेरी दिल तेरा तड़पाएगी, तेरे जाते ही तेरे आने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा। क्या बात है सर, वाह। थैंक यू सर। ये गाना पेश हो गया। जाने इस गाने ऑलराइट। तो आज धर्म सर और आशा जी हमारे साथ हैं, तो मैं आज एक गेम खेलना चाहूंगा धर्म सर और आशा जी के साथ। मैं आपको जरा कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूं, जरा पहले ये देखें। क्या बात है। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे ये जो लेजेंडरी विलन्स हैं इनसे दुनिया डरती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से सबसे ज्यादा जेंटलमैन कौन था, प्राण साहब ओके। आशा जी कह रही हैं प्राण साहब। लेकिन आशा जी कोई किस्सा याद आता है जब आपको याद आता हो कि परफेक्ट जेंटलमैन? जब मैं छोटी थी जी, तो इनकी शूटिंग चल रही थी रूपतारा स्टूडियोज में जी। तो जब मैं वहाँ पहुंची तो कहा कि ये प्राण साहब की शूटिंग हो रही है जी। तो हम लोग जरा डर गए थे क्योंकि विलन है, अरे बाप रे प्राण साहब की शूटिंग है, देखना पड़ेगा। लेकिन जब उनसे बात की, I found him to be a thorough gentleman. He was such a fine man. क्या बात। मतलब फाइट वाइट करनी है तो अगर जोर से पकड़ भी लिया तो बोल देते थे, अच्छा मैं जोर से पकड़ूंगा। How sweet. I found him a very fine person. Even Mr. Prem Chopra. I worked with Mr. Prem Chopra. Very nice man. लेकिन बहुत कंजूस है। प्रेम चोपड़ा साहब बहुत कंजूस है। लेकिन अगर मैं धर्म सर आपसे बात करूं, आपकी मतलब आपके सामने ये सभी विलन बन के आए हैं, सबसे ज्यादा किसकी पिटाई में मजा आता था आपको?
अब इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं, देखने वालों ने लगा लिया होगा। इसका एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। प्लीज सर। मेरे साथ पॉकेट मार में थे तो मैं शॉट दे रहा था टेबल लैंड पर, जीप के पीछे पीछे ये घसीट रहे हैं मुझे। ओके। मैंने यहाँ थोड़ा चमड़े का बांध लिया था, लेकिन फिर भी रिस्की था। और मैंने पीछे से पकड़ा हुआ था तो ये जीप चला के मुझे घुमा रहे हैं। अभी हम मिले नहीं थे, हमारी दोस्ती हुई नहीं थी। तो उसके बाद खैर मेरे कजन से कहने लगे, यार बोलो क्या कर रहा है धर्मेंद्र, वो हीरो है, कहीं कुछ लग गया मुंह इधर उधर से कहीं खराब हो सकता, रोको तुम, रोको जाके बोलो, जाओ बोलो तुम। तो मुझे आया कि प्रेम चोपड़ा कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो। मैंने कहा मैं जानता हूँ क्यों कह रहा है। उसके बाद मुझे इसे घसीटना था तो फिर इसने किया, कहता आपने कर दिया मुझे भी करना। अरे वैसे हमने ज्यादा इनको कभी डांस करते देखा नहीं, रियल लाइफ में अगर आपने देखा हो तो इनमें से कौन सबसे अच्छा डांस करता था? मैंने नहीं देखा। रान जी कर लेते थे कहीं ना कहीं, और ये जीवन साहब सब निभा जाते थे। अच्छा, ये पुराने कब से, मैं तो जब फिल्मों देखी भी नहीं थी तब से याद रहे जीवन साहब कर लेते थे। क्या बात है। प्रेम चोपड़ा मेरे साथ थे, मैंने कहता मैं कर ले तू डांस, यार मैंने तो साला डांस करने लग गए। ऐसे बहुत से किस्से हैं यार हमारे, आई मिस देम, आई लव देम। क्या बात, हमारे लेजेंडरी विलन्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एंड थैंक यू सो मच ये कहानियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। सर इसको थोड़ा वो वाला रोमांस बताएं, बिकॉज़ इसकी कहानी पार्क में ही अटकी है। सर जरा पार्क बताइए, पार्क कैसा है? सर मैं पार्क एक बार बना दूंगा, पार्क भी देखना पड़ता है ना, कैसा पार्क बनाए भाई, लेके आओ बच्चों। हां ये बहुत अच्छे पार्क, पार्क में तो आवाम होती है बहुत। ओहो फूल फूल आ गया है, सनफ्लावर आ गया है। सर प्लीज मैं चाहूंगा सर अगर आप आए, आशा जी आप आए, स्क्रीन प्ले बना लिया आपने। चलो आइए सर। बदरा चाय के झूले पड़ गए हाइक मेले, लग गए मच गई धूम रे, ए आया सावन ओ झूम के, आया सावन धूम के। Yeah.
शुक्रिया। मैं भी आपके लिए जोरदार तालियां। यार एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरे ख्याल इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में इतने सालों बाद धर्म जी एंड आशा जी ने एक साथ पार्क में डांस किया। एक बार जोरदार तालियां इस बात पे। आशा मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने आपकी बहुत सारी मूवीज देखी हैं, स्पेशली लव इन टोक्यो, वो मेरी फेवरेट है। तो आप जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हो अपने गानों में, और मैंने आपके एक्सप्रेशंस देखकर ही चालू किया था कि मुझे भी करना है ऐसा, कि लुक वाइज कितना स्ट्रॉन्ग फील आता है, वो सब मैंने आपको देख देख कर चालू किया है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका एक गाना है उस पर मुझे आपसे थोड़े से एक्सप्रेशंस सीखने हैं, कोई मत वाला मेरे द्वार। मैम प्लीज, अगर अगर आप थोड़ा सा बता देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहूंगा आप प्लीज वहां पे आए, आराम से जाके आप जरा सीखें एक्सप्रेशन। एक बार जोरदार तालियां आशा मैम के लिए। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अपनियों से कर गया अजब इशारे, अपनियों से कर गया अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला मेरे द्वारे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां भी बजाएं। मैं तो महसूस कर रहा था, देख भी रहा था। बोल एक बार जोरदार तालियां हो जाएं धर्म जी एंड आशा जी के लिए। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा आपका यहाँ पे आने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो कहते हैं ना सर एंड मैम, जो सुकून आप लोगों ने अपने फैंस को दिया है ना, वो हम आपको लौटा नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारे बेस्ट डांसर्स और कोरियोग्राफर्स ने एक कोशिश करी है, आप लोगों के लिए कुछ तैयार किया है और वो अपने अंदाज में वो आपके सामने पेश करना चाहते हैं, लेकिन ओनली अगर आपकी इजाजत हो। आपकी इजाजत है? बिल्कुल। वो इतने प्यार से कह रहे हैं तो हमारे पास तो प्यार ही प्यार है। क्या बात है। ऑलराइट, तो कम ऑन, एक बार जोरदार तालियां, गो फॉर इट। कितनी खुशकिस्मत मानती होगी खुद को पंजाब की मिट्टी, जिसकी खुशबू को सिल्वर स्क्रीन के जरिए हिंदुस्तान से मिलाने का ख्वाब लिए निकल पड़ा था उसका लाडला द ही मैन धर्मेंद्र जी। और कितनी इतराती होगी मुंबई के समंदर की वो लहरें, जिनके नमकीन एहसास में इंडिया को सराबोर करने, इंडिया के दिलों पर राज करने निकल पड़ी थी द जुबली क्वीन आशा पारेख जी। साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, तुम एक हसीन हो लाख
महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी दिलों की धड़कन भी आपके नाम है इंडियाज बेस्ट डांसर का हर सर आज आपके सजदे में झुकता है आपको दिल से हमारा सलाम है so sweet, you made it. Thank you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.